हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस्लामी मुल्क पाकिस्तान लॉकडाउन में है। पहले लोगों ने सोचा था कि ये लॉकडाउन एक दिन की बात होगी, लेकिन पाकिस्तान में कई शहरों में इस नाकेबंदी को 100 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। पाकिस्तान में लॉकडाउन सरकार ने नहीं बल्कि एक कट्टरपंथी संगठन ने लगाया है। इस संगठन के समर्थकों ने पाकिस्तान के कई शहरों को बंधक बनाया हुआ है। सबसे भयानक तस्वीर पाकिस्तान के लाहौर शहर से आई, जहां मेट्रो लाइन के ठीक नीचे लाखों का लश्कर जमा हुआ। कोई जमारे नबी पे डाके और बनाए नबी का खाके, फिर भी सुन्नी तू सो रहेगा, फैल जाएगा हर तरफ शर। अरे उठ मैदान अमल में, आ जा नूर बन, जुल्मतों पे छा जा। ये वीडियो इस बात के सबूत है कि पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथ ने बहुत गहरी जड़ें जमा ली हैं। बड़े बूढ़े और मौलाना ही नहीं, अब तो अनगढ़ उम्र वाले बच्चे और नौजवान भी इस्लाम के नाम पर मर मिटने को आमादा है। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के फौजी अपनी ही सरकार से बगावत के लिए तैयार है। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार खत्म नबूवत। अभी अभी अलामा फारूक अल हसन साहब का एक बयान सुन के वीडियो बनानी पड़ी, मजबूर हो गया हूँ। जो शेख रशीद साहब ने बयान दिया है कि तहरीकी लब्बैक पे सीधे सीधे अगर जंग करने का ऐलान है, तो फिर हमें भी बताए ताकि हम भी जो है ना कैसी एक तरफ हो जाए, तहरीकी लब्बैक की तरफ से हम भी इस जिहाद में हैं। पाकिस्तान का कट्टरपंथी सियासी दल तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP पिछले कई दिनों से पूरे मुल्क को बंधक बनाए हुए है। शहर के शहर जाम है, सड़कों पर मचा कोहराम है। लब्बैक के सपोर्टर अपने ही हमवतनों का, अपने ही देश के नागरिकों का कत्ल कर रहे हैं। यकीन ना हो तो ये वीडियो देखिए। तहरीक के समर्थकों ने आम लोगों को सरेआम कुचल डाला। दो बंदे थले देते। इन रहनुमाओं पर एहतजाज के दौरान सड़कें बंद करने के इल्जाम हैं। पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पर इस वक्त एक ही खबर चल रही है कि किस तरह एक कट्टरपंथी संगठन ने पूरे देश को बंधक बना लिया। कराची में मल्दिया टाउन हबरेवर रोड पर हंगामे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रास्ते बंद है, जरूरी सेवाएं बंद है, इंटरनेट भी ठप। तहरीके लब्बैक का एहतजाज, लाहौर में तीसरे रोज भी निजाम जिंदगी मफलूज। अहम शाहराहें बंद, चौक यतीम खाना से इसकी मोड़ तक कंटेनर लगे। मुल्तान रोड पर सफर करने वाले ख्वार, भट्टा चौक, दरोगा वाला चौक और शाहदरा चौक नो गो एरिया। कच्चा जेल रोड, मोहलनवाल और मांगा मंडी के रास्ते सील। एहतजाज वाले इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। पहले ही कोरोना की तीसरी वेव से जूझ रहे पाकिस्तान में अब लोगों का सब्र टूट रहा है। वो खुद ही इन कट्टरपंथियों से भिड़ रहे हैं। लाहौर में जब कट्टरपंथियों ने रास्ता रोका तो एक डॉक्टर उनसे भिड़ गए। ये इन लोगों का हाल है, ये उन्होंने फ्रांस बनाया है, इस आवाम ने, पाकिस्तानी आवाम है, मेडिकल का स्टाफ है, और इन लोगों ने ये देखे यहाँ पे इस नंबर गाड़ी की खड़ी करके हमारी पूरी सड़क बंद कर दी है। आप लोगों ने भी कभी अस्पताल जाना होगा, आपने भी कभी अस्पताल जाना होगा, आपने भी और आपने भी, ठीक है? बोले ना, साइड पे आए, मैं बताती हूँ, मेरी जूती बताती है।
इस्लामिक कट्टरपंथियों ने किसी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने पुलिस वालों को बंधक बनाया, उन्हें मारा पीटा, इसमें कई लोग मर गए, 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्होंने किसी तरह अस्पतालों में छुपकर जान बचाई। अब पुलिस वाले भी इन इस्लामिक उग्रवादियों को कोस रहे हैं। आज तीसरे दिन भी तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन के हाथों कई शहरी यरगमाल बने रहे लाहौर में मेट्रो बस स्टेशन में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। मुजाहिरीन मेट्रो का जंगला फैलाकर जान बचाने की कोशिश करने वाले पुलिस एहलकार को मारते रहे। पुलिस एहलकारों ने जनरल अस्पताल में घुसकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद मुजाहिरीन ने जनरल अस्पताल पर धावा बोल दिया। अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर डंडे मारे गए। इन लोगों ने कुर्बानियां देनी है, ये सिखाया था फसलम ने, ये सिखाया था कादम साहब साहब ने, मुल्क की खातिर कुर्बानी देना सिखाया था उन्होंने, ये तो बिल्कुल नहीं सिखाया, इनके तरीके तो बिल्कुल नहीं थी। कई दिनों तक तहरीके लब्बैक के उपद्रव के बाद जब पाकिस्तान की पुलिस फोर्स में गुस्सा बढ़ने लगा, तब जाकर इमरान सरकार ने TLP पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान की हुकूमत ने मजबूरी में यह फैसला लिया क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, जनता बगावत कर रही थी, तो इमरान सरकार दबाव में आ गई। उसको किस तरीके से लेके जाना है? जी बिल्कुल, जो मेरे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक तो यही है कि जो फैसला है बैनिंग का, उसे फैसला किया गया है, सोचा समझा शायद बाद में जाएगा। आमतौर पे हम पॉलिसीज बनाते हैं तो पहले सोचते समझते नहीं है। असल में लब्बैक सपोर्टर्स की हिंसा के चलते पाकिस्तान के कई शहरों जैसे कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, गुजरावाला, मुल्तान, सियालकोट में बहुत बुरे हालात बन गए थे। सड़कें क्लियर करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई हैं। करीब 2000 से ज्यादा दंगाइयों को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी दम साधे हिंसा के नए दौर की आशंका से बेचैन है, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथी बेकाबू हैं। कसूर में भी रुकावटें हटाने पर मुजाहिरीन ने पुलिस पर तशद्दुद किया। DSP और SHO समेत दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इस्लामाबाद में बाराकाऊ में भी जत्थे पुलिस से उलझ पड़े। नारोवाल में एहतजाज की वजह से रेलवे फाटक आज दूसरे दिन भी बंद रहा। सफर करने वाले मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। सियालकोट में भी पुलिस एहलकार के जख्मी होने की रिपोर्ट सामने आई। हालात के पेश नजर मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी सख्त की गई है। तहरीक लब्बैक की भयंकर हिंसा के बाद फ्रांस ने अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ देने का मशवरा दिया है। असल में तहरीक लब्बैक इमरान सरकार से मांग कर रही है कि पाकिस्तान फ्रांस के राजदूत को न सिर्फ वापस उनके देश भेजे बल्कि फ्रांस से सभी ताल्लुकात खत्म कर ले। फ्रांस ने पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिंसा के बाद अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी। फ्रांस ने अपने शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक फ्रांसीसी सफारतखाने ने अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। खुद पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने बताया कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान को किस मुश्किल में डाला हुआ है। पुलिस को अगवा किया गया है और नहाते पुलिस वालों को चौकों में पकड़ के मोटरसाइकिलों से उतार के मारा गया है। आपने एम्बुलेंसेस रोकी हैं, आपने वो ऑक्सीजन जो सैकड़ों COVID-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स के लिए जा रही थी उनके रास्ते में रुकावट की है। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर खुद ये मान रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ये वही शेख रशीद है जो कभी लब्बैक की ताकत से नवाज शरीफ की पार्टी की सरकार को धमकाया करते थे। असल में पाकिस्तान के हर सियासी लीडर ने अपने फायदे के लिए कट्टरपंथियों को आगे बढ़ाया है, उन्हें मोहरा बनाकर सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम इमरान खान और उनके होम मिनिस्टर शेख रशीद तो सबसे ज्यादा इस्लाम का नाम लेते रहे हैं। ये जो हुकूमत है और खुद हमारी जो रियासत है उसकी एक तारीख रही है कि एक तरफ वो खुशामद और अपीजमेंट की पॉलिसी की तरफ जाते हैं, फिर अचानक 180 डिग्री की कलाबाजी खा के जो है वो पाबंदी की तरफ जाते हैं। तो ये कभी ऑन कभी ऑफ ये जो तरीका है ये चलता नहीं है। दूसरी जो बात है वो ये है कि पाबंदी लगाने का जो माजी का तजर्बा है मुख्तलिफ जमातों का वो कोई बहुत ज्यादा कामयाब तजर्बा नहीं है। जमात पे पाबंदी लगा दी वो नए नामों के साथ आ जाते हैं।
दिक्कत यह है कि अपना सियासी मतलब निकालने के बाद इमरान खान ने तरीके लब्बैक के कट्टरपंथ पर पर्दा डाल दिया, उसे भूल गए। खुद शेख रशीद रोजे की कस्में खाने लगे कि उनका लब्बैक या उसके कट्टरपंथी मौलानाओं से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैंने कभी इस जमात से 2016 से वजूद में आई ना कभी मैं खादम हुसैन रिजवी साहब से मिला ना साद रिजवी से मेरी मुलाकात हुई। जो लोग मुजाकरात करते रहे मैं अपने ऑफिस में बैठा रहा। रोजे में आपको कह रहा हूँ मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई ना मेरी इनके साथ सियासत है। पाकिस्तान का होम मिनिस्टर जो खुद को सच्चा मुसलमान कहता है वो सरेआम नेशनल टीवी पर झूठ बोल रहा है कि उसने कभी भी कट्टरपंथी तरीके लब्बैक की तरफदारी नहीं की। इसकी पोल खुद पाकिस्तान के पत्रकारों ने खोल दी। जो आज उन्होंने ऐलान किया इस पाबंदी का, उनका नाम सरे फहरिस्त था और उनका नाम ये फैसले में तो सिर्फ नहीं था बतौर इसके कि ऐसी सियासी शख्सियात जिन्होंने हिमायत की और सपोर्ट किया, ये ISI की रिपोर्ट के मुताबिक था। तो अब ये देख ले कि ये कहां से इसका मिलता है, फिर वो किस मुंह से कह सकते हैं कि सवाल जो पूछा गया कि आपने कभी हिमायत की, तो उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया, बल्कि मैं तो कहूंगी तो झूठ बोलने की बात है। वैसे ही कोई पहली बार नहीं है जब तहरीके लब्बैक के कट्टरपंथियों ने पूरे पाकिस्तान को बंधक बनाया है। जब भी इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सरकार के खिलाफ हमला बोला तो ओपोजिशन ने इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश की। 2017 से लेकर अब तक हुकूमत और तहरीके लब्बैक के दरमियान 5 मुहायदे हुए। हुकूमतें सरेंडर करती रही, मुहायदे करती रही, कॉम्प्रोमाइज करती रही। अपोजिशन इस सूरत हाल का फायदा उठाकर हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेजी में अपना किरदार अदा करती रही और अपनी सियासत चमकाती रही। 2017 में 21 दिन तक इस्लामाबाद में धरना दिया गया। फिर धरने के बाद उस वक्त की हुकुमरान जमात नून लीग के रहनुमाओं पर हमले शुरू हो गए। 6 मई 2018 को उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला अहसन इकबाल पर हमला हो गया जिसमें वो जख्मी हो गए। नेताओं से मिली शय का ही नतीजा है कि उग्रवादी संगठन तहरीके लब्बैक के लोग अब पाकिस्तान की संसद में बैठने लगे हैं। 2017 में जब लब्बैक नेता खादिम रिजवी ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच धरना दिया था तब उसके समर्थकों ने तत्कालीन होम मिनिस्टर एहसन इकबाल को भी नहीं बख्शा था जो नवाज शरीफ की पार्टी से आते हैं। उपद्रवियों को मिलने वाली इसी सियासी सरपरस्ती के कारण आज पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। पाकिस्तान के सीनियर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सरकार ने तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी लगाई है वो भी लीप ऑफ पोती ही है, इससे कुछ होने वाला नहीं। इनको काबू करना मुश्किल तो होगा। मैं ये भी बता दूं कि मेरी भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ अहलकार से कुछ साल पहले बातचीत हुई, मुलाकात हुई। वो हमेशा आईन और कानून के मुताबिक बात करते हैं, दिल्ली से बात करते हैं। हम एक जहर में आता है जब इस तरह के मुजाहरे देखते हैं ना कि बस ये तो मौलवी हजरात हैं, डंडा लगाते हैं, पुलिस को मारते हैं। वो एक केडर जो है, वो जो कारकुनान है वो अलग है। इनका एक और जो एक केडर है जो सोचता भी है, दलील भी तजवीज करता है, उनका एक तरह से आप कहेंगे उनका थिंक टैंक है। ये जो लोग हैं ये हमारे मुआशरे में हर जगह मौजूद हैं और ये दलील से बात करते हैं। इनको इस तरह से आसानी से मेरी नजर में तो खत्म नहीं कर सकते। जानकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा ही इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों पर पाबंदियां लगाने का ढोंग करता है। लश्कर ए तैयबा से लेकर सिपहे साहबा तक इसकी तमाम मिसालें मौजूद हैं। जब कट्टरपंथियों पर बैन लगा तो वो दूसरे नाम का चूल्हा ओढ़कर मैदान में आ गए। मैं एक शेर पेश करता हूँ कि हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। 2002 में जब मुशर्रफ साहब ने बड़ी बड़ी तंजीमें जो 90s में छाई हुई थी, 80s में छाई हुई थी, उन्हें जब बैन किया तो आपने देखा कि वो नाम बदल बदल के कोई चैरिटी के रूप में, कोई एजुकेशनल फाउंडेशन के रूप में, कोई किसी रूप में आती चली गई। पाकिस्तान के एक्स होम मिनिस्टर और नवाज शरीफ के करीबी नेता एहसन इकबाल ये मानते हैं कि उनके मुल्क में इस्लामिक कट्टरपंथ ने बहुत समर्थक बना लिए हैं। अब इससे छुटकारा पाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक होना पड़ेगा। ये जो इस वक्त हमारे माशरे में मजहबी इंतहा पसंदी की एक सोच है ये इतनी खतरनाक है कि ये एक नेशनल रिस्पॉन्स इस वक्त तकाजा करती है। आई टेल यू कि इस वक्त हम कुछ ऐसे अवामिल हैं जिनसे हमारा रियासती ढांचा खतरे में है।
چونکہ ان رجحانات پر اگر ہم نے سب نے مل کر اور بالخصوص ہماری جو مذہبی قیادت ہے، علماء ہیں، مشائخ ہیں، قوم کی رہنمائی نہ کی تو ہم خدا نہ خواستہ جہاں لبنان کیا تھا اس طرف بڑھ سکتے ہیں۔ خانہ جنگی دقت اس بات کی ہے کہ اپنے راجنیتک لابھ کے لیے کٹر پنتھ کو بڑھاوا دینے والے نیتا اس دیتے کے منہ پھاڑتے ہی اپنا پلہ چھاڑ لیتے ہیں، پھر پورا دیش ان کا بندھک بن جاتا ہے۔ اس سمے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے۔ ہائی، ایم سربھی شرما۔ خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ۔